प्रधान जी आपका क्या मामला है 7 करोड़ रुपए का? भत्ता जी नमस्कार। भत्ता जी मेरा एक बहुत भारी समस्या है जो कि आज 16 और 17 साल का हमारा जो TDS है वो रुका है। उसकी कीमत है कम से कम 7 करोड़ रुपए है, और जो कि इस प्रकार का है कि जो 7 करोड़ रुपए हमारा है, ये जितने भी भूतपूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश में पूरे जितने तीनों फैक्ट्रियों में भूतपूर्व सैनिक है, इनका पैसा निजी पैसा है जो कि हर साल हम इनको दीपावली के बीच में जब त्यौहार आता है तो उनको TDS के रूप में दिया जाता है, जो कि आज तक हमें 3-4 साल से आश्वासन दिया जा रहा है कि देंगे देंगे, और आज तक किसी ने पार्टी ने नहीं दिया। और उसके बाद हम JP नड्डा जी जब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी यहाँ पे बिलासपुर में उद्घाटन करने के लिए एम्स का आए तो उनके पास हमने फैल दी, ना आज तक ना वो पैसे का जवाब आया, ना वो लेटर आया, ना हमारे से किसी प्रकार की बात नहीं की। जब इनसे PA से बात करते हैं तो बात भी नहीं करते, ना बात करने देते हैं। और अब बताओ कि हमारा पैसा किस प्रकार से इनसे मिलेगा और कैसे हम ट्रांसपोर्टरों को दिया जाए, क्योंकि आज इतनी महंगाई हो चुकी है कि हमारे ट्रक जितने भी ट्रक हैं उनको टायर तेल डालना है, मेंटेनेंस है, वो इतना हालत खस्ती है कि जिला बिलासपुर में इतनी फैक्ट्री है। हमने ये सोचा था कि हमारे जग प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हमारे कुछ फायदा हो, परंतु आज तक हमें बिलासपुर जितने भी ट्रांसपोर्टर है मेरे हिसाब से कोई, हमें जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे कोई फायदा नहीं हुआ इनको। तो आपने कहाँ कहाँ बात की इस विषय को लेकर, अपने पैसों को लेकर? हमने अपने हिमाचल कॉर्पोरेशन हमीरपुर में बात की, हमने उन्होंने कहा कि हम 3-4 साल से लेटर लिख रहे हैं, हमको लेटरों में जवाब आता है, लेटरों में जवाब चला जाता है। उसके बाद हमने JP नड्डा जी यहाँ पे आए बिलासपुर में, उनके पास हम सभी मिलने के लिए गए तो मिलने तो नहीं दिया, परंतु हमारी फैल हवा में ही इन्होंने पकड़ी बाहर से, और वो हवा में हमको कोई जवाब नहीं आया। तो अनुराग ठाकुर जब वित्त मंत्री थे तब उनसे भी बात हुई थी? अनुराग जी ने हमारा जो फाइल थी अनुराग जी को दिया था, उनका पत्र आया कि उन्होंने सीतारमण ऑफिस से हमारे को जवाब आया कि आपका पैसा तुरंत दे दिया जाएगा, परंतु अनुराग जी ने जो काम था वो तो उन्होंने कर दिया, परंतु जो JP नड्डा जी का केंद्रीय में वहाँ पे बैठे हैं तो उनका काम बनता है कि वो बिलासपुर का काम है, बिलासपुर के लिए करें, वो क्यों नहीं कर रहे बिलासपुर के काम के लिए? तो क्यों नहीं कर रहे हैं अभी ये ना जाने कि बिलासपुर के काम क्यों नहीं कर रहे नड्डा जी? अभी वो जैसे वक्त इनका ऐसा वक्त है जैसे किट बांटने के लिए आज घूम रहे यहाँ पे, ऐसे हमारे पैसे बांटे आगे यहाँ पे लोगों को, चेक बांटे हमारे। किट मतलब ये जो अभी स्पोर्ट्स किट बांट रहे, इलेक्शन आ गया तो किट में बांटना शुरू काम कर दिया, हमारा इतना 7 करोड़ रुपए उसको क्यों नहीं बांट रहे हमारे को? उस प्रकार हमारे पैसा भी बांटे, बिलासपुर का पैसा है हमारा, उसको भी बांटे हमारे को पैसे को। तो चुनावों तक ये पैसा मिल गया तो ठीक है, अगर हमारा पैसा नहीं दिया इन्होंने तो हमारे पास भी विकल्प है, जो हमारे तीनों फैक्ट्री में ट्रक है वो अपना, हम अपना रुतबा दिखाएंगे इनको। कितने के ट्रक हैं जी आपके अंदर? 3,000 ट्रक है। तो कितने के लोगों के ऊपर इसका असर रहता है? कम से कम 10,000 परिवारों का इसका नुकसान होगा, अगर हम हमारे साथ ऐसे न्याय करेंगे तो हम इनके साथ भी वही काम करें जो हमारे साथ किए इन्होंने। बगावत? बिल्कुल हम बगावत करेंगे इनके सर, हम BJP के आदमी हैं हम तो, और BJP के आदमियों को खुद ही काम नहीं हो पा रहा है तो दूसरे क्या करेंगे? या मुझे ये पता नहीं कि हमारा धूमल गुट के नाम से गिना जाता है हमारे को, क्योंकि आज तक हमारा कोई काम नहीं किया ना हुआ आज तक, हमको भी 17-18 साल हो गए हमारे को पार्टी में काम करते हुए, हम जरूर इलेक्शन हम भी लड़ते हैं, अगर ये इतने इलेक्शन लड़े तो हमने भी इतने इलेक्शन लड़े हुए, परंतु हम ग्राउंड में काम करते हैं। मतलब धूमल गुट मतलब क्या? धूमल गुट का मतलब कि जो हमारा धूमल गुट में गिना जाता है, हमारे को आज तक कोई काम नहीं किया किसी ने भी हमारा, आज तक कोई काम नहीं, ये जो 4.5 साल का बिल्कुल हमारे आज तक कोई काम नहीं किया, हमको धूमल गुट में गिना जाता है हमारे को। तो धूमल गुट में होने का मतलब ये कि काम नहीं होगा? बिल्कुल काम नहीं करते हमारा, कोई काम नहीं किया आज तक। नहीं तो ऐसा किसने बोला आपको कि धूमल गुट की वजह से? क्योंकि हमने 2-3 बार हमने ऑफिस में, जैसे हमने सेक्रेटरी में अपना काम के लिए निजी काम करने के लिए गया, हमने धूमल साहब से DO लिया हमने, क्योंकि आज तक मेरी एक सिस्टर थी, मैंने उसकी ट्रांसफर के लिए गया, मैं जब शिमला में गया तो मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उसने अपने गाँव के लोग बिठा रखे थे वहाँ पे अंदर, और हमारे को मैं भी खुद एक प्रधान था यूनियन का, मुझे उसने बहने तक नहीं बोला, और अपने गाँव के लोग टांगों में टांगों फंसा के बैठाए हुए थे हमारे से, बात नहीं की, बोला कोई बात नहीं बात कर देते। जब मैंने उनको पूछा कि सर आपने ये काम उस प्रकार से किया, उसके ऑर्डर कराया आपने ये किया, तो हमारे को बोला कि कोर्ट की डायरेक्शन नहीं है, तो क्या मेरी सिस्टर के लिए डायरेक्शन थी और उनके लिए डायरेक्शन नहीं थी? वो बिना डायरेक्शन से काम किए थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धूमल के काम भी नहीं होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते। ये क्या बोलते, ये क्या कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे, ये तो सर पे वो लैपटॉपों में हवा में कर रहे हैं, हम आपको ग्राउंड का बता रहे हैं, हम बिना ग्राउंड से हम जो बातें लोगों से करते हैं हम उसका बताते हैं कि अगर ये मंथन उन्होंने करना शुरू किए तो हर जीत का मंथन के लिए भी तैयार हैं, करना कहाँ, कौन सी बिल्डिंग में कहाँ करना है और कौन से विधानसभा में मंथन करना है उन्होंने, ये भी सोच ले।
नहीं तो घुमारवीं से आप आए, वहाँ से विधायक भी है, मंत्री भी है, दोस्ती भी आपकी उनके साथ अच्छी है, तो फिर आपके गांव क्यों नहीं हुआ? दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, हमारे 15-16 साल उनके साथ चले हम। अभी बताओ हमारे जो सीमेंट है हमारा, हम जो सरकारी सीमेंट है, सरकार ने सरकारी सीमेंट का तो रेट 300-250 रुपए का कर रखा है, और हमारे किराए देखो तो यहाँ से सीमेंट आता है मेरे 45,000 किराया था, जो हमारे मालिक के गाड़ी और चलने वाले जो उसका सीमेंट का किराया 45 रुपए था, हमको 500 रुपए बचता है हमारे को। बताओ हम क्या अपने बच्चे नहीं पालेंगे, हम टायर नहीं डालेंगे, कोई स्पेयर पार्ट नहीं खरीदेंगे, हम कोई चीज नहीं चला पा रहे हैं। हमें कितने साल से नहीं बढ़े जी किराए? किराए कम से कम जब से बीजेपी सरकार ने तब से कोई किराया नहीं बढ़ाया इन्होंने। बीच में कोरोना काल आया, कुछ नहीं किया इन्होंने सर, कोई काम नहीं किया। और मेरी यूनियन ने तो 45 लाख रुपए, 45-50 लाख रुपए दिया हमारे कॉर्पोरेशन में, दिया हुआ इनको कोरोना काल में दिया हुआ है। तो फिर आपने कोरोना काल में पैसे क्यों दिए जब आपके पैसे सरकार के बैठे? तो सरकार ही नहीं केंद्र है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार ही नहीं किया है, सरकार के मुलाजिम इन्होंने अपने बैठाए हुए हैं। अच्छा, सरकार का दबाव था कि 50 लाख तो दिया हुआ इन्होंने, 50 लाख दिया हुआ है। ब्रिगेडियर कुशाल सिंह था यहाँ पे, उन्होंने हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने दिया हुआ है 53 लाख दिया हुआ उन्होंने। वो किसका पैसा था आपका? हमारा जो ट्रांसपोर्टर कमाते हैं वही दे पैसा इनके पास होता है, और कहाँ से आना इनका पैसा, इनके कौन सी खान लगी है। अच्छा, चलो ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद।